हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारे जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का सेवेंथ लेसन है, सातवां वीडियो है ये। इससे पहले छह वीडियोस और जा चुके हैं इस सीरीज के, और उससे पहले आपके डेली स्टैटिक क्विजेज भी हो चुकी हैं जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोज भी नहीं देखे तो आप वो वीडियोज भी देख लो, क्योंकि ये पूरी सीरीज के माध्यम से हम NCERTs जो हैं आपकी, वो 6th to 12th क्लास की, वो सारी ही कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है विटामिन्स। तो विटामिन्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो विटामिन्स के बारे में आज हम यहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है कि जो विटामिन फैट में घुल जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है जो विटामिन वाटर में घुल जाते हैं। तो आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में, हम सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो विटामिन फैट में घुल जाते हैं। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर, आप अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इस लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर इस लिंक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर जो भी वीडियोज़ हमारे आते हैं उसके PDF अपलोड किए जाते हैं, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही देखो फ्रेंड्स, यहां पर और भी बहुत सारे लिंक्स लिखे हुए हैं, तो आप यहां पर भी जाकर के इन सारे लिंक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन सारे ही लिंक्स पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो PPT या PDF फॉर्मेट में यहां अपलोड किया जाता है। मैक्सिमम जो मटेरियल होता है वो PDF फॉर्मेट में ही होता है, जो कि आप बहुत ईजिली अपने फ़ोन में डाउनलोड करके कहीं पर भी सेव रख सकते हो और एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रिविज़न कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का सेवेंथ लेसन, और इसमें हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या है? ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर मैंने पहले कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, पहले मैं आपको पूरा बाइफरकेशन बता दूंगा, वाटर फैट में कौन कौन से विटामिन रखे गए हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में, और फिर एक एक विटामिन को हम आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं पोषक तत्व। ये होते हैं जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप ऑर्गेनिक भी कह सकते हो, जो कि होता है जैविक, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो कि होता है अजैविक। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब अजैविक पोषक तत्व। तो इसमें आप देखिए आपका होता है आयरन, सेलेनियम, जिंक और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये मेन मेन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपका आयरन, सेलेनियम और जिंक होता है। और अगर हम जैविक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैविक पोषक तत्व की बात करें, तो इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विटामिन्स और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो कंपोनेंट है विटामिन्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल पैथोजन से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन कैटेगराइज विटामिन्स इनटू फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो हम लोग विटामिन को दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं आपके फैट सॉल्युबल और कुछ विटामिन्स होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप याद कर लो, इसके बाहर एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये कैटेगराइजेशन कैसा है। देखिए, मैंने यहां पर एक स्लाइड फॉर्म में बना रखा है, बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है, आप केवल इस चार्ट को याद कर लो। जैसे कि इस चार्ट को मैं आपको समझा देता हूँ, विटामिन्स ये होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल्स और फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, उनमें दो तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक होता है आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एक होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें बी के सारे विटामिन आ जाएंगे, ठीक है, उन सबको मिला करके बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन B1 होता है, B2 होता है, ठीक है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, 7 होता है, ठीक है, B9 होता है और B12 होता है। तो ये सारे जो B के विटामिन हैं, ठीक है, उन सारों को मिला करके बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आ जाता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो ये सब मिला करके बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? सिंपल सा एक विटामिन, जो कि है विटामिन C, ठीक है।
उसके बाद अब आते हैं फैट सॉल्युबल, तो अब हम लोग को कितने विटामिन पता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी डी ई के, ठीक है, इतने तो होते हैं। तो जो आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये तो चला गया आपका वाटर सॉल्युबल में, तो बाकी जितने बचे हो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका हो जाता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन सभी के आगे इनका साइंटिफिक नेम भी लिख रखा है, क्योंकि अब एग्जाम्स में साइंटिफिक नेम बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे साइंटिफिक नेम याद करने हैं, सबके सब, कोई भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट एक एग्जाम हुआ है युवा कल्याण अधिकारी वाले में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है आपका, ये आया था विटामिन के बारे में, जिसमें उन्होंने दिया था फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो फाइलोक्विनोन उसका साइंटिफिक नेम है। अब जो लोग बोलते हैं मुझसे कि सर हिंदी में वीडियो बना लो, तो मैं उनको बता दूं कि हिंदी में भी फाइलोक्विनोन ही लिखा था, तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे साइंटिफिक नेम है, तो उसका साइंटिफिक नेम आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी वो एज इट इज़ वैसे ही ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होगी आपको आगे। तो दोस्तों जो फैट सॉल्युबल विटामिन, उसमें ए ई के डी था, और मैंने बताया कि इन सभी का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने सबका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिख रखा है। अब चलिए देख लेते हैं, जो विटामिन सी होता है वो होता है आपका, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आप आ जाइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पहले हम वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक हो गया नॉन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन सी, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और फिर दूसरा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है, जिसमें पहला जो है विटामिन बी वन, इसको बोला जाता है थायमिन, ठीक है। विटामिन बी वन जो आपका होता है, लेट मी शो यू, विटामिन बी वन देखिए यहाँ पर होता है थायमिन, ठीक है। और विटामिन बी टू जो होता है वो होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन बी वन हो गया थायमिन, विटामिन बी टू हो गया राइबोफ्लाविन। उसके बाद आप देखिए विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री को बोला जाता है नियासिन, ठीक है। विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नेम है नियासिन। उसके बाद आप देखिए विटामिन बी फाइव, बहुत ईजी है, क्योंकि फाइव लगा हुआ है तो यहाँ पर पेंटा हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड। तो ये हो जाएगा विटामिन बी फाइव। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विटामिन बी सिक्स को इसी तरह कहते हैं पायरीडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन बी सिक्स इज नथिंग बट पायरीडॉक्सिन। आपको सारे साइंटिफिक नेम याद करने पड़ेंगे। विटामिन बी सेवन का साइंटिफिक नेम है बायोटीन, ठीक है। आप याद रखना, विटामिन बी सेवन और बी नाइन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि क्योंकि एक को बोला जाता है फोलिक एसिड और एक है आपका बायोटीन। तो देखिए जो विटामिन बी सेवन वाला है, सेवन वाला, वो होगा आपका बायोटीन, ठीक है। तो विटामिन बी नाइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, फोलिक एसिड। तो विटामिन बी सेवन बी नाइन, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो विटामिन बी सेवन हो गया बायोटीन और विटामिन बी नाइन हो गया फोलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें विटामिन बी ट्वेल्व है, इसको बोला जाता है साइनोकोब्लामिन, ठीक है। तो अब इसको याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है विटामिन बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नेम। देखिए विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है कोबाल्ट, तो उसी के नाम पर बन जाता है यहाँ पर कोब्लामिन, ठीक है। कोबाल्ट से बन गया कोब्लामिन, तो हो जाता है इसका नाम साइनोकोब्लामिन, वो हो जाता है विटामिन बी ट्वेल्व। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसको आराम से याद भी कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के इसी तरह साइंटिफिक नेम्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि विटामिन ए है, इसको बोला जाता है रेटिनॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। अब विटामिन ई के पास आते हैं, तो विटामिन ई होता है आपका टोकोफेरॉल। तो फिर मैं आपको बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है विटामिन ई और विटामिन के में, ठीक है, कि विटामिन ई है टोकोफेरॉल या के है। तो आप याद रखना, विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, ठीक है, और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। तो अभी जो एग्जाम मैंने बताया युवा कल्याण अधिकारी, उसमें जो क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में फाइलोक्विनोन भी दिया था और टोकोफेरॉल भी दिया था, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अक्सर एग्जाम में। तो आप याद कर लो कि विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन और विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन डी बहुत इजी है, आई होप आप सभी को यह पता होगा, कैल्सिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। वैसे तो इसका साइंटिफिक नेम होता है चोले कैल्सिफेरॉल, ठीक है, चोले कैल्सिफेरॉल, बट इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा बायफ्रिकेशन सारे विटामिन्स का, जो कि है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने कुछ पहले फैक्ट्स डिस्कस करने की कोशिश की है आपसे, जैसे कि आपको कुछ बहुत बेसिक फैक्ट विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें, तो ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं फैट में,
ठीक है, आपको पता है ये विटामिन फैट सॉल्युबल है, और फैट कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर में, तो इस फैट के साथ लीवर में वो विटामिन्स भी स्टोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये टेम्परेचर के द्वारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो आप देखो जो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन करते हैं। अब देखिए जब शरीर में विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। विटामिन एक निश्चित मात्रा में ही लेना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उससे जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है हाइपर विटामिनोसिस, क्योंकि हम लोगों ने हाइपर मात्रा में विटामिन ले लिया है, ठीक है, तो उसको हाइपर विटामिनोसिस बोला जाएगा। और वो जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो किन विटामिन्स के कारण होता है, वो होगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के कारण, ठीक है, क्योंकि ये जो फैट होता है वो आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर में घुल जाएंगे और जो पानी है वो हमारे शरीर से निकल जाता है, ठीक है, पानी हमारे शरीर से निकलता है पर फैट नहीं निकलता है, इसलिए जो विटामिन फैट में सॉल्युबल हैं, फैट में घुलनशील हैं, वो शरीर में ही रह जाते हैं, जिनके कारण हमें हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ये जनरली हाइपर विटामिनोसिस फैट सॉल्युबल विटामिन्स के कारण होता है। अब देखिए जो इफेक्ट होता है हाइपर विटामिनोसिस का, वो क्या होता है भाई, लीवर में स्टोर हो रहा है तो हमारा लीवर डैमेज होगा, ठीक है, उसके बाद आपके जो लॉस ऑफ वेट होता है वो भी हो सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो लोग पोलर बियर का मीट खाते हैं, ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं उनमें अंदर उनके जो मीट में विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो जो लोग वो मीट का सेवन करते हैं उनको अक्सर हाइपर विटामिनोसिस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर में एक आपको लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उस बैक्टीरिया का नाम है शीरियोकोली बैक्टीरिया, ठीक है, उसको आप शॉर्ट में ई कोली बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में ऑलरेडी पाया जाता है, पहले से मौजूद होता है, तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। कैसे फायदेमंद होता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन, आप देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग द विटामिन्स, ये कुछ विटामिन्स के सिंथेसाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ आप देख रहे हो विटामिन B1, B12 और B2 के साथ साथ विटामिन K भी जो है उसके भी सिंथेसिस में ये बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इस सेंस में, क्योंकि ये विटामिन्स को सिंथेसाइज कर रहा है। तो आप ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखना, ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज की वीडियो में हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें कौन कौन से थे आप याद करने की कोशिश करो, A, D, E और K, ठीक है, इतने ही तो थे फैट सॉल्युबल, क्योंकि जो सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो था ये आपका क्या था, ये था वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कि आपको नीचे चार विटामिन के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेंगे वहाँ पर कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है या कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो आप याद कर लो ADEK जो है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1, B2 अप टू B12 आ जाएगा, और विटामिन सी ये सारे कौन से हैं, ये हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो अब देखो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स का पहला विटामिन है वह है विटामिन ए, और इसका साइंटिफिक नेम है जैसा कि मैंने आपको बताया रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। तो देखिए पहले तो आपको कुछ सोर्सेज बता दूं जहां से हमें विटामिन ए मिलता है, कुछ सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जहां से आप विटामिन ए ले सकते हैं। अब ये स्रोत दो तरीके के हैं, सोर्सेज टू टाइप्स के हैं, एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। जो प्लांट सोर्स है उसमें आप याद रखना कि जो डार्क ग्रीन और येलो फ्रूट्स होते हैं, डार्क ग्रीन और येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, दे आर हाईली रिच इन द बीटा कैरोटीन, दे आर हाईली रिच इन बीटा कैरोटीन, ठीक है। और बीटा कैरोटीन क्या करता है, जब हम बीटा कैरोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये उस बीटा कैरोटीन, वो जो बीटा कैरोटीन हम कंज्यूम करेंगे वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये जो आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो कि आपके डार्क ग्रीन और येलो कलर के हैं, जैसे कि पपाया हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, गाजर, उसके बाद आप मैंगो खा लो, तो ये सारे ही आपको विटामिन ए एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और जो बीटा कैरोटीन होता है वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है विटामिन ए के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बीटा कैरोटीन है ये आपका कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, इसीलिए इसको प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है,
तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको एक और प्लांट सोर्स बता दूं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसको, वो है आपका गोल्डन राइस, ठीक है। तो जो गोल्डन राइस होता है ये आपका जनरली साउथ ईस्ट एशिया में स्टेपल डाइट है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका, साउथ ईस्ट एशिया आप कौन सा है, देखिए जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, आप बताओ, आपको अगर एशियान की जितनी भी कंट्रीज हैं आपको पता होगा एशियान, ठीक है, तो उसमें जितनी कंट्रीज अगर उनके नाम आपको पता है तो वही है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, उसी को बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। अब एशियान में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर के आप नाम बता डालो। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि एशियान के 10 मेंबर कौन से हैं। भाई आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए तो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो एशियान के जल्दी से 10 मेंबर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कौन कौन से हैं, और 10 ही हैं या 11 हैं, ठीक है, ये भी आप बताओ, 10 और 11, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कहा गोल्डन राइस ये स्टेपल डाइट है आपका साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और ये जो गोल्डन राइस है इसका जो कलर है येलो कलर का है, वो आपका कहाँ से आता है, वो आपका आता है बीटा कैरोटीन जीन से, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके येलो कलर के लिए। अब कुछ एनिमल सोर्सेज की बात कर लें दोस्तों, तो आपका जो फिश है वो आपका विटामिन ए में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। उसके बाद कॉड लीवर ऑयल जो है उसमें आपका विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ डी और ओमेगा 3, विटामिन डी और ओमेगा 3 ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो ओमेगा 3 इट इज़ नथिंग बट पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो ओमेगा 3 है ये आपका पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ये भी आपका फिश और कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन ए अलॉन्ग विद विटामिन डी, ये सारी चीज़ें आपके कॉड लीवर ऑयल में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मीट होता है, ठीक है, लीवर, जो लीवर मीट होता है उसमें आपका विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ अंडे जो एग होते हैं, ठीक है, उसमें दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा जो एल्बुमेन होता है अंडे का, ठीक है, उसमें आपका प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो एल्बुमेन होता है अंडे का उसमें आपका प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ जो योल्क होता है, ठीक है, जो अंडे का योल्क होता है उसमें आपका फैट एलॉन्ग विद विटामिन ए डी और के, तो फैट ए डी के विटामिन ये सारी चीजें आपकी योल्क में पाई जाती हैं, जो अंडे का योल्क होता है, ठीक है। तो आपको आई होप सारी चीजें, सारे सोर्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, आप एज इट इज इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं, तो विटामिन ए जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर बॉडी बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, और यू कैन से दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इम्यूनिटी विच रेजिस्टेड द डिजीज, ठीक है। तो जो विटामिन ए होता है ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे रिलेटेड होता है इम्यूनिटी से। अब आपका जो विटामिन ए है वो डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है इम्यूनिटी से, ये आप ऐसे देख लो, क्योंकि जो विटामिन ए होता है इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग द रोल ऑफ WBCs, ठीक है। अब WBCs क्या है ये मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि WBCs सेल्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे बताओ हीमोग्लोबिन जो है वो किस में पाया जाता है, WBCs में या RBC में, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख करके बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चूंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग द रोल ऑफ WBCs, हैंस दिस विटामिन ए इज नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है, ठीक है। जब इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अब विटामिन ए देखिए, इसको एंटी, अगर विटामिन ए ज़्यादा होगा तो भाई WBCs ज़्यादा होंगे, और जब WBCs ज़्यादा होंगे तो आपका कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो वर्क एज एन एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, ठीक है। अब विटामिन ए के कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रीसिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जो रोडोप्सिन है इट इज़ फाउंड इन द स्पेशलाइज्ड लाइट रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड रॉड एज पार्ट ऑफ द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट इज रेटिना, राइट। सो रॉड्स प्रोवाइड विजन इन लो लाइट, दैट इज इन नाइट, और यू कैन से दैट इन लो लाइट, एंड द अदर लाइट रिसेप्टर सेल इन रेटिना इज कॉल्ड
कोन्स एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन ब्राइट लाइट। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में एक फिगर बना के यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आँख की संरचना बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी ड्राॅइंग बहुत ख़राब है, तो आप इसको एज इट इज समझ लेना। ये आप समझ लो एक आँख है, ठीक है, और ये लास्ट में हमारा रेटिना है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर लिखा है इतना रोडोप्सिन के बारे में, उसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो रेटिना है, ठीक है, वहाँ पर दो तरीके के लाइट रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं। दो तरह के लाइट रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। रेटिना पर इमेज कैसी बनती है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है, कि जो रेटिना पर इमेज बन रही है वो कैसी बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड बनती है, कैसी बनती है, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर जो दो लाइट रिसेप्टर सेल हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, उनका नाम है रॉड्स और कोन्स। ये दो लाइट रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं, एक है आपका रॉड और एक है कोन, जो कि रेटिना पर, रेटिना के टिश्यू पर पाए जाते हैं। अब ये जो रॉड हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट। आप कह सकते हो कि जहाँ पर लाइट बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये वाला सेल, रॉड सेल। और जहाँ पर ब्राइट लाइट है, लाइट ज़्यादा है, वहाँ पर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन। तो जो आपका रोडोप्सिन है ये आपका रॉड सेल में पाया जाता है। अब इसका सिंपल वर्क क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप बहुत अंधेरे कमरे से अचानक रोशनी की तरफ जब आओगे तो शुरू में आपको इनिशियल स्टार्टिंग में बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 5 से 10 सेकंड तक ये दिखाई नहीं देता है कुछ भी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखता है या बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, ठीक है, जब आप अंधेरे कमरे से अचानक उजाले कमरे में आते हो, या आप बहुत देर तक लाइट बंद हो अचानक लाइट ऑन करो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसका सिंपल सा कारण होता है कि जो रोडोप्सिन है, विजुअल पिगमेंट है, ये कम हो जाता है। लाइट जब पड़ता है तो ये पिगमेंट कम हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट। अब लाइट पड़ने से जब ये पिगमेंट कम हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन लो लाइट। बट अब आप देखो, जो विटामिन ए होता है वो इस रोडोप्सिन के रीसिंथेसिस में मदद करता है। जब ये कम होने लगता है पिगमेंट यहाँ पर अचानक लाइट पड़ने पर, तो इसके रीसिंथेसिस कैसे होती है, विटामिन ए की हेल्प से। तो आपका विटामिन ए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द विजन ऑफ लो लाइट, लो लाइट में विजन के लिए, ठीक है। तो जब विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन की रीसिंथेसिस जल्दी से नहीं होगी, और जब रोडोप्सिन की रीसिंथेसिस जल्दी से नहीं होगी तो आपको थोड़ी और देर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। ये जो टाइम पीरियड है 5 से 10 सेकंड का, जब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है अचानक से, तो ये टाइम पीरियड बढ़ने लगेगा, एक्सटेंड करने लगेगा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन एंड विच इज फर्दर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन योर बॉडी, राइट। तो ये है आपका पूरा रोडोप्सिन का वर्क। अब जो आपका ये विटामिन ए है, इसका और भी बहुत सारा इम्प्लीकेशन है, जैसे कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो नेसेसरी होता है टीयर्स के फॉर्मेशन के लिए। और आप कह सकते हो कि जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, ठीक है, टीयर्स मतलब आंसू, दे कंटेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी विच प्रिवेंट आई इन्फेक्शंस, ठीक है। तो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं अक्सर एग्जाम में आता है, और मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपके ऑप्शन में दिया रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो नाइट जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से नहीं होता है, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आपका हेरिडेटरी डिजीज़ है, ठीक है, ये हेरिडेटरी होता है, आनुवांशिक रोग है ये जो कलर ब्लाइंडनेस है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और इसका साइंटिफिक नेम है निक्टोलोपिया, ठीक है, निक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस, इट इज़ ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ रोडोप्सिन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि जो आपका रोडोप्सिन है, अगर उसकी सिंथेसिस नहीं होगी जल्दी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो वो जो टाइम है लाइट को एक्वायर करने का वो बढ़ने लगेगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो ये टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे कि वही रूप ले लेता है नाइट ब्लाइंडनेस का या निक्टोलोपिया का, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड जो अगली इस पे बीमारी होती है विटामिन ए की डिफिशियंसी से, वो होती है जीरो पैथल्मिया। अब जीरो पैथल्मिया क्या होती है, आप कह सकते हो ड्राइनेस ऑफ आईबॉल, आईबॉल जब सूख जाता है तब आंसू नहीं बनेंगे, और आप कह सकते हो इससे डैमेज हो सकता है या कंजक्टिवा हो सकता है आईबॉल में, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज़ अ सेवर डिफिशियंसी, इट्स अ सेवर डिफिशियंसी। अगर विटामिन ई की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई देन इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो, तो उससे अंधापन भी हो सकता है। और आप कह सकते हो इस तरीके का जो ब्लाइंडनेस होगा, जो विटामिन ए की कमी के कारण होगा, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशनल फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस।
पोषक तत्व की कमी के कारण जो अंधापन होता है उसे आप कह सकते हैं न्यूट्रिशनल फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस एंड इट इज नथिंग बट जीरो पैथल्मिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने आपको पहले बता दिया कि रोडोप्सिन अगर कम होगा तो इट इंक्रीजेस इन डार्क एडॉप्शन टाइम, डार्क एडॉप्शन टाइम इंक्रीज कर देगा, वो जो 5 से 10 सेकंड तक नहीं कुछ दिखता है वो 15 से 20 हो जाएगा, आधे घंटे हो जाएगा, और ये इनफैक्ट फाइनली किसका रूप ले लेगा, नाइट ब्लाइंडनेस का। तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट विल अफेक्ट एंड रिड्यूस अवर इम्यूनिटी, और अगर इसकी कमी होगी तो जैसा कि मैंने बताया इट इज़ एंटी इन्फेक्शन विटामिन ऑल्सो, सो इट्स रिडक्शन लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ आवर इम्यूनिटी टू कॉम्बैट इन्फेक्शन एंड देयर बाई मेकिंग बॉडी वल्नरेबल टू द डिजीजेस। तो हमारी जो बॉडी है उसमें विटामिन ए की अगर कमी होगी तो हमारी बॉडी डिजीज जो रोग है जो बीमारियाँ हैं उनके प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। वल्नरेबल मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अगला विटामिन जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसको आप बोल सकते हो कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले विटामिन ए का मैं आपको वर्क बता देता हूं कि ये करता क्या है। आप सभी को पता है कि जो विटामिन ए है वो आपको सन के किरणों से मिलेगा, ठीक है, जो सूर्य है उसकी किरणों में विटामिन डी होता है। तो सन से जो किरण किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, जब वो हमारे स्किन पे पड़ती हैं, ठीक है, जब वो हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो क्या होता है, सन की रेज आई और हमारे स्किन पे पड़ी तो जो सन की रेज है उनमें अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट जो होता है वो जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमारे स्किन में पहले से जो मौजूद है उसका नाम है डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7-डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे स्किन में पहले से प्रेजेंट है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब जब सन की किरण इस पे आके टकराती है तो क्या होता है, ये जो सन की रेज हैं ये आपकी क्या करती हैं 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देती हैं चोले कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, चोले कोलेस्ट्रॉल में ये कन्वर्ट हो गई जो डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल था, और फिर फाइनली ये जो चोले कोलेस्ट्रॉल है ये लीवर तक ले जाया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। आप देखो ये सारा प्रोसेस लाइन से आप समझ लो, प्रोसेस इसका ऐसा है कि जो 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है इस पे सन की रेज आके टकराई, जब सन की रेज आके 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से मिलती हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण इसको ये कह सकते हो आपकी तोड़ देती हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन कर देती हैं और ये बन जाता है चोले कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये जो चोले कोलेस्ट्रॉल बना ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारे लीवर में ले जाया जाता है और वहाँ पर एक और केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एक और केमिकल कंपाउंड बनता है और जो केमिकल कंपाउंड लीवर में बनता है वो फाइनली कहाँ ले जाता है, किडनी में ले जाता है, ठीक है। और किडनी में ये जो केमिकल कंपाउंड है ये तोड़ दिया जाता है कैल्सीफेरॉल में, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा है कि पहले 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, उसके बाद लीवर में ले गया गया, यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड बना, उसके बाद एक केमिकल कंपाउंड किडनी में जाता है और किडनी में बन जाता है ये कैल्सीफेरॉल। जब कैल्सीफेरॉल बन जाता है तो ये जो कैल्सीफेरॉल है ये आपका मदद करता है कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन में, ठीक है, कहाँ पर डिपोजिशन होगा, बोन्स में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है कि ये पहले 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है चोले कोलेस्ट्रॉल में, उसके बाद आपका चोले कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट कर दिया था कैल्सीफेरॉल में, और ये जो कैल्सीफेरॉल है ये आपको फाइनली हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस के डिपोजिशन में, और ये डिपोजिशन कहाँ होता है, हमारे बोन्स में, हड्डियों में, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस, या यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ, दिस चोले कोलेस्ट्रॉल रीच टू द लीवर वाया ब्लड सर्कुलेशन एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू अनदर केमिकल कंपाउंड, और ये जो केमिकल कंपाउंड है कहाँ जाएगा, किडनी में, दिस कंपाउंड फाइनली रीचेस टू किडनी एंड देयर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इनटू कैल्सीफेरॉल, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्सीफेरॉल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिपॉजिटेड ऑन अवर बोन्स। सो these materials, or you can say that these minerals are giving the actual strength and rigidity to our bones. कौन से minerals? Calcium and phosphorus, and they give rigidity or strength to our bones and which finally support our body.
ठीक है. सो विटामिन डी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्किन, लीवर एंड किडनी. तो विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में वो किसकी किसकी हेल्प से हुआ, आप देखो, पहले स्किन में गया, उसके बाद स्किन से लीवर का यूज़ हुआ, उसके बाद फाइनली किडनी, किडनी में वो तोड़ दिया जाता है कैल्सिफेरॉल में. तो इस तरह से जो हमारे विटामिन डी का सिंथेसिस हो रहा है बॉडी में वो कहाँ कहाँ हो रहा है, स्किन, लीवर और किडनी में. ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा भी चुका है और आगे भी आ सकता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना. इन द एंड हैंस इनफैक्ट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन. और ये जो पूरा प्रोसेस है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सनशाइन विटामिन होता है, विटामिन डी. सो जो फंक्शनल फॉर्म होता है, आप देखो ना, फंक्शनल फॉर्म क्या है विटामिन डी का, जो फाइनली कैल्शियम और फॉस्फोरस को डिपॉजिट कौन कर रहा है, कैल्सिफेरॉल. तो आप कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन अलग से आ चुका है कि विटामिन डी का फंक्शनल फॉर्म कौन सा है, वो है आपका कैल्सिफेरॉल. ठीक है. सो अब मैं आपको थोड़ा बोन्स के बारे में बता दें. अवर बोन्स हैव बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे बोन्स में, वो आपका है कोलेजन प्रोटीन, इट इज़ नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और आप इसको कह सकते हो बोन मास. जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है हमारे बोन के अंदर जो कि है कोलेजन प्रोटीन, इसको बोन मास भी कहा जाता है. और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, ये हैं आपके हाइड्रोक्सीपेप्टाइड सॉल्ट्स. तो ये जो हाइड्रोक्सीपेप्टाइड सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, राइट. तो ये थी कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट जो कि आपको याद होना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है. यही सारी चीज़ें बार बार एग्जाम्स में घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं. तो आप देखिए, जो विटामिन डी होता है उसकी डिफिशियंसी या उसकी कमी के कारण क्या होता है, पहले तो आप याद कर लो, चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में रिकेट्स होता है, ठीक है, जो कि होता है सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन्स. जो स्कल बोन्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग को रिकेट्स बोला जाता है. ये आपका बच्चों और नवजात शिशुओं में होता है, ठीक है. और आप कह सकते हो जो स्कल बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम का डिमांड करती हैं. और बच्चों में ही एक और तरीके की बीमारी होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, वो होती है आपकी काइफोसिस. तो ये सारी बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं एग्जाम में, अक्सर आती हैं. तो आप एज इट इज़ इसको याद कर लो. वहाँ पे एग्जाम में देगा काइफोसिस, तो आप सोचोगे काइफोसिस किसकी कमी से होता है. अभी तक आप पढ़े हो रतौंधी और बेरी, अभी उसने पूछ दिया काइफोसिस. तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है. तो इस विटामिन से रिलेटेड अगर एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इतने बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ. तो आप देखो, जो कर्विंग एंड बेंडिंग ऑफ बैकबोन, जिसको आप स्पाइंस भी कहते हो बच्चों में, अगर जो बैकबोन है वो कर्व या बेंड हो जाता है तो उसको काइफोसिस बोला जाता है. और ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण. उसी तरह एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये फीमेल्स में होती है, एंड आप कह सकते हो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है. हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम होने लगता है. और जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तो आप कह सकते हो कि ये जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, इट इज़ अ बोन फॉर्मिंग सेल. तो बोन फॉर्मिंग सेल जो होते हैं वो कम होने लगते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. और जब बोन फॉर्मिंग सेल कम होने लगते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट, जिसको बोन डिजॉल्विंग सेल कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, वो कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस. अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ. जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, आप याद कर लो, दो प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है, बोन्स में. वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट. तो ऑस्टियोब्लास्ट जो बी वाला है, ये आपका बोन फॉर्मिंग सेल कहलाता है. ये हड्डियाँ बनाता है, इन कोशिकाओं से हड्डियाँ बनती हैं, ये कम होने लगते हैं. और जो क्लास्ट होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि हड्डियाँ ख़त्म करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है. तो ऐसी जब सिचुएशन आती है, तो ये सिचुएशन क्यों आती है, ये सिचुएशन आती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है. तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी कमी के कारण ऐसी सिचुएशन आती है. और एस्ट्रोजन हार्मोन्स में जो कमी आती है उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है. तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा. और ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोइटस डेवलपमेंट, फीमेल्स हैव मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, या सभी को पता है. एंड इन मेल्स ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू द एजिंग एंड वियर एंड टियर ऑफ बोन्स. तो जो मेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो किसके कारण होती है, बुढ़ापे के कारण. और जो हड्डियों का वियर एंड टियर हो रहा है लगातार, यूज़ हो रहा है 60 साल 70 साल तक, तो उसके कारण वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जा रही हैं. तो वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट, जो आपके बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है.
तो ये सारी बीमारियां आपके विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। अब अगला विटामिन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा विटामिन ई, जिसको बोला जाता है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। तो आप कह सकते हो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट समझने से पहले आप समझ लो ऑक्सीडेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडेंट क्या होता है? ये एक फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेंट इज अ फ्री रेडिकल, या आप इसको कह सकते हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि अनस्टेबल होता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को बोला जाता है ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फ्री रेडिकल है या अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है इनको आप बोलोगे ऑक्सीडेंट। ठीक है, और जो चीज इनको स्टेबल कर दे उसे आप बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हानिकारक क्यों है, या विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है उन्हें स्टेबल करने के लिए? तो आइए देख लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, सॉरी ये जो ऑक्सीडेंट हैं ये कहाँ से पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में या कहाँ से आते हैं? तो आपको मैं बता दूँ, जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो पाचन क्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन और फैट की, ये आपका फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, यह आप कह सकते हो ऑक्सीडेंट जनरेट करता है हमारे शरीर के अंदर। और ये ऑक्सीडेंट जो होते हैं दे आर नथिंग बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, स्किन, आई, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इवन ये हमारे डीएनए पे भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा हानिकारक हैं। सो दीज ऑक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। चूंकि ये हार्मफुल हैं तो इनको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट दीज एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर दीज फ्री रेडिकल। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेंट, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये एक और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जिसके कारण ये दोनों पेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन ई के अलावा, टोकोफेरॉल के अलावा कुछ और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि आपका विटामिन सी है, ये भी एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, या बीटा कैरोटीन विटामिन जो होते हैं वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। साथ ही साथ इन विटामिन के साथ एक एंजाइम भी है, वो आपका है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज जो है ये भी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज ये एक एलिमेंट कंटेन करता है जिसका नाम है सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम में जो आपका ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम है इसमें सेलेनियम पाया जाता है। ठीक है, और ये सभी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं एक फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाने के लिए। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि किस चीज़ को, किस वेजिटेबल को खाने से आपको सबसे ज़्यादा सेलेनियम मिलेगा। ठीक है, या किस वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा सेलेनियम पाया जाता है एज अ एलिमेंट, ये भी एग्ज़ाम में अलग से पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेलेनियम वाला अलग से एग्ज़ाम में आ चुका है कि सेलेनियम निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे वेजिटेबल का नाम लिख करके बताओ। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें आगे आप देखिए अगला विटामिन है जो कि हमारा आज का लास्ट विटामिन है, आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पर सारे खत्म हो जाएंगे। ये आपका विटामिन के, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। तो आप इसको कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी हेमरेज विटामिन। जो एंटी हेमरेज विटामिन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ब्लड के क्लॉट करने में ये मदद करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद क्यों करता है? क्योंकि ये जो विटामिन के है ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, एक प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वो जो प्रोटीन है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये ऐसे किस प्रोटीन का निर्माण करता है या किस प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है विटामिन के? ये आपका है प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये दो प्रोटीन हैं, इनके सिंथेसिस में, इनके फॉर्मेशन में विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ मदद करते हैं? ये दोनों मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, इनको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो, देखिए मैं कितना डीपली आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में विटामिन के पूछे या प्रोथ्रॉम्बिन या फाइब्रिनोजिन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो विटामिन के है ये दो, इन दो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करता है, एंड विच आर फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो दोनों प्रोटीन हैं ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं? ये हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, ये जो दोनों प्रोटीन है प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के की मदद से।
ठीक है। तो ये भी पूछा सकता है कि ये दोनों प्रोटीन कहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, या कौन इनको बनाता है, तो उनको लीवर बनाता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो कि आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, तो उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो जो ये प्रोटीन है इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी मतलब कमी, अगर विटामिन के की कमी होगी तो इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण जो हमारा ब्लड क्लॉट का प्रोसेस है उसमें देरी होगी, और जब ब्लड क्लॉट के प्रोसेस में देरी होगी तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड या खून लॉस हो जाएगा, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा ब्लड खराब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हेमरेज की कंडीशन बनने लगेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सेवेंथ वीडियो था ये, इसमें हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, स्पेशली इस वीडियो में हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, और अपने एट्थ लेसन में हम लोग या एट्थ वीडियो में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12 ये सारे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलें, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे लिखें, ठीक है। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल लिंक पे मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर डेली बेसिस पे PDF अपलोड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।